सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं रोहित और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का पेज है AK इन्फो का। दोस्तों अभी जो हम बात करने वाले हैं कि वीवो का एक मेरे पास सेट है वीवो Y71, जिसमें दिक्कत क्या है तो इसमें लॉक लगा हुआ है। और वीवो के सेट में क्या हो रहा था, तो अभी अब प्लस माइनस जब दबाते थे तो उसी से उसका एरियल या बूट मोड आ जाता था, तो हमें उसे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट वीवो के जो लेटेस्ट सेट जितने भी आ रहे हैं उस सब में MI की तरह EDL टेस्ट पॉइंट दे दिया, इसीलिए हमें इसे खोलना पड़ा। ठीक है, तो आप सबसे पहले मोबाइल को ओपन कर लीजिएगा और उसमें ये दोनों जो टिप्स है ये देखिए, ये दोनों इसका बूट टिप्स है यानी EDL टिप्स है। तो अभी हम आपको इसका अनलॉकिंग और FRP ये दोनों एक साथ दिखाएंगे और दो डिवाइस का यूज हम आपको बताएंगे इस सेट के लिए पर्टिकुलर, कि मिरिकल से कैसे होगा और UMT से कैसे होगा। मिरिकल में क्या है, तो है इजी, मर्ड इसमें एक गड़बड़ी क्या दे दिया है, तो मिरिकल जो चिप ऐड किया है वीवो Y71 के लिए वो चिप पर्टिकुलर वीवो Y71 में है ही नहीं। समझ में आया, मतलब कि मिरिकल ने जो ऐड किया है Y71 के लिए पर्टिकुलर कि ये फलाना चिप है, बट Y71 में जब वो चिप की बारी हम चेक करते तो वहां पे वो चिप नहीं है, जिसके कारण मिरिकल से अगर आप करोगे तो उसमें बूट एरर आ जाएगा। तो उस बूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, और भी अगर सेट में ये बूट एरर आ रहा है तो बूट एरर के लिए हम क्या करेंगे ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही इस सेट के लिए पर्टिकुलर अगर लॉक लगाए तो क्या करेंगे, FRP लगाओ तो क्या करेंगे, ये तो हो गया मिरिकल का काम। और दूसरा पहलू में हम UMT पे भी बात करेंगे कि दोनों का आप जो है तुलना कर लीजिएगा कि मिरिकल अच्छा है या UMT अच्छा है, ये दोनों का मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हमने बैक कबर्ड ओपन कर लिया और बैटरी को हमने निकाल दिया, फिर दोबारा बैटरी लगाया और यहां पे हमने केबल को कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम से और EDL को शॉर्ट करेंगे। यहां पे हमने क्या किया है, तो यहां से हमने क्या किया, पहले डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया क्योंकि हमें सेट को कम्युनिकेशन चेक करना है। यहां पोर्ट में गए और ट्यूजर दिखाओ, इसको शॉर्ट कीजिए, ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट कीजिए, इधर आओ, ये दोनों पॉइंट को हमने शॉर्ट किया और केबल लगा लिया। अब यहां देखिए क्वालिकम पोर्ट बना लिया, मतलब हमारा सेट जो है वो कनेक्ट हो गया है। अब आपने करना क्या है, तो मिरिकल बॉक्स ओपन कर लेना है, ये रहा मिरिकल बॉक्स का आइकन, इसको ओपन किया, ये ओपन हो रहा है। बाकी दोस्तों आप भी अगर एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं तो 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारे एडमिन का नंबर है। अब जैसे कि यहाँ पोर्ट कौन सा बनाया है, क्वालिकम का पोर्ट, तो हम क्या करेंगे यहां से चले जाएंगे क्वालिकम पोर्ट में, यहाँ पे पोर्ट रिफ्रेश कर लेंगे। और जैसे कि अभी मैं आपको एरर नहीं दिखाऊंगा, या एरर दिखा दो पहले, अगर आप बोलो तो पहले एरर ही दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले हम गए रीड फॉर्मेट फ्लैश और यहां से फैक्ट्री रीसेट और स्टार्ट किया, बट यहाँ पे देखिए ये बूट में जाके ये एरर आ गया। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, आइए फिर से सेट को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर पुनः हमने बैटरी को निकाला, बैटरी को निकालने के बाद अब यहां देखिए तो ऑटो, ये है ऑटो प्रोग्रामर, मतलब ऑटो चिप डिटेक्ट, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो ऑटो चिप से हमने हटा दिया। और यहां पे इस सेट का जो पर्टिकुलर फर्मवेयर है, फर्मवेयर के अंदर एक फाइल होता है MBN, कौन सा MBN, तो ये MBN हमने अलग से डाउनलोड करके रखा हुआ है,
ये हमने यहाँ पे एमबीएन रखा हुआ है Y71 का, ठीक है। एमबीएन सेलेक्ट कर लिया, फैक्ट्री रीसेट सेफ मोड सेट को दोबारा हमने क्या किया तो शॉर्ट किया, शॉर्ट कीजिए इसको, दोबारा शॉर्ट किया, केबल लगाया, ये क्वालिकम का पोर्ट बना लिया। अब यहां से क्या करेंगे तो स्टार्ट कर देंगे, देखते रहिए, वेट। और ये देखिए बूटिंग डन हो गया और ये हमारा काम फिनिश, फॉर्मेट हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, तो यूजर डेटा तो खत्म, मतलब लॉक हमारा खत्म हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या होगा, तो एफआरपी लगेगा, क्या होगा, तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे तो इसको शॉर्ट करेंगे, फिर दोबारा शॉर्ट कीजिए और यहाँ फिर डिवाइस मैनेजर दोबारा शॉर्ट किया, केबल को हमने लगाया, केबल को लगाने के बाद फिर क्वालिकम पोर्ट आया, यहाँ मिरेकल, यहाँ गो टू पोर्ट एक बार रिफ्रेश कर दिए, गो टू एक्स्ट्रा। यहाँ से देखिए वीवो में भी दो अकाउंट लगता है, एक वीवो का पर्टिकुलर अपना अकाउंट वीवो क्लाउड और एक एफआरपी। तो इसमें वीवो क्लाउड बहुत कम बंदे यूज कर रहे हैं, ओवो क्लाउड बहुत कम बंदे यूज करते हैं, इसीलिए इसमें एफआरपी लगा है, मतलब गूगल अकाउंट। तो यहां से हम क्या करेंगे तो रिमूव अकाउंट लॉक अदर, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पे देखिए जस्ट वेट, ये बूटिंग डन हो गया, साथ ही हमारा एफआरपी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है मिरेकल का सेट को हम क्या किए तो दोबारा निकाल लिए, एक बार बैटरी निकाले, बैटरी लगाए और सेट को दोबारा ऑन किया। तो ये हो गया मिरेकल के द्वारा हम कैसे काम करेंगे। और अभी बात करेंगे हम यूएमटी पे, ठीक है। एक दोस्तों एक यूएमटी में एक अलग ऑप्शन दे दिया जिसके कारण सेट डेड हो गया था, ठीक है। तो वो अभी वो भी जिक्र करेंगे कि आपको यूएमटी में क्या सतर्क अपनाना है, बाकी आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी मिरेकल का तो हमने दिखा दिया आपको, मिरेकल को हम क्या करते हैं तो बंद कर देते हैं। दोस्तों अभी जो हमने काम किया है तो इससे हमारा सेट का अभी हम दिखा देते हैं कि पैटर्न तो हमारा यानी पिन लॉक तो हमारा खत्म हो ही गया, साथ ही अभी ये हमारा एफआरपी भी खत्म हो गया है, इसको पर्टिकुलर हम अब यूज कर सकते हैं। ये इसको स्किप कर देते हैं, स्किप, नेक्स्ट। ये स्किप और यहां यूज, ये हमारा सेट ओपन हो गया, ठीक है। इसमें दो काम अभी हमने किया, पहला लॉक तोड़ा, दूसरा एफआरपी रिमूव किया, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसी वीडियो में यूएमटी का बना दूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी मैं इसमें फिर पुणे में लॉक लगाता हूं और फिर मैं यूएमटी से भी इसको तोड़ के दिखाता हूँ। बाकी ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि यूएमटी में क्या बूट एरर आता है या उसमें डेड क्यों मेरा सेट हो गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।